एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? वेरी गुड इवनिंग। और रात के 9 बजे हैं और डेट है 13 अगस्त। सुबह से कोई भी ब्लॉग मैंने नहीं बनाया है क्योंकि आज सुबह से मेरी तबीयत है ना थोड़ी सी भी ठीक नहीं। मुझे हाथों में बहुत दर्द हो रहा है आज। तो फिर भी आज सैटरडे है तो जानसी की भी स्कूल अर्ली मॉर्निंग रहती है तो दोनों के लिए मुझे लंच बॉक्स रेडी करना पड़ता है। तो आज लंच बॉक्स में मैंने दिए थे पोहे, फिर दोनों बच्चे चले गए स्कूल और फिर मैंने सोचा कि चलो घर का काम करती हूँ, दूसरा भी काम जो है अदर काम घर का वो भी कर लेती हूँ। तो तिजोरी साफ करना, कबाट में जो कपड़े हैं वो सब कुछ धीरे धीरे मैं साफ कर रही थी, पर मुझे पता नहीं अचानक से बुखार आ गया और मैं सो गई। मैंने सोचा चलो आधा घंटा मैं ऐसे आराम कर लेती हूँ, उसके बाद उठकर वापस से काम करूँगी। तो सो गई तो उठी मैं 5 बजे उठी मैं, क्योंकि दोपहर में इतना बुखार हो गया था और पूरी बॉडी पेन हो रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो डिनर का बना लेती हूँ, बाहर से कुछ भी नहीं मंगवाना। तो उस दिन मैंने रेडीमेड इडली का बैटर लिया था, तो वहाँ पे है ना उत्तपम और डोसा का बैटर मिल जाता है। तो मैंने सोचा इडली का मुझे अच्छा लगा था तो डोसा का भी मंगवा कर देख लेती हूँ और फटाफट से बन भी जाएगा और बच्चों को भी खाने में अच्छा लगेगा। तो 5 बजे से मैंने इसको मंगवाया है, 5:30 बजे मेरे घर पे आ गया था। पर जो मेन था रीज़न ये था, एक चीज़ स्लाइस मुझे नहीं मिली, नहीं जिगर लेकर नहीं आए थे। तो 5:30 बजे से मैं बोल रही हूँ कि आप ले आओ। दिव्या भी गुस्सा हो गया, नहीं गए। फिर अभी 8:30 बजे ये लेकर आए, अभी ये 2 मिनट हुई इसको लेकर आए, 9 बजे मुझे ला कर दिया। तो अभी मैं 9 बजे डिनर बना रही हूँ। 9 बजे तो मेरे घर के बर्तन सब कुछ हो जाता है, डिनर करके हम फ्री हो जाते हैं, दूसरा जो काम होता है वो करते हैं। तो आज बहुत देर हुआ है पर कोई बात नहीं, ये रेडीमेड है तो फटाफट से बन जाएगा। तो चलो मैं बना लेती हूँ इसका, कुछ बनाऊंगी उत्तपम और डोसा। मुझे भी आइडिया नहीं है कि मैं क्या बनाने वाली हूँ, तो चलो मैं दिखाती हूँ कि मैं क्या बनाती हूँ। तो ये प्लेन तपमा में बनाने वाली हूँ और ये है जानसी के लिए। दिव्या भाई इंसुलिन ले रहे हैं, मम्मी वीडियो ना होता। हाँ भाई, और जानसी खाना खाने के लिए बैठ गई है और बजे है 9:30। देखिए 9:30 से 10:15 बजे हैं। आज हमने डिनर किया है 9:30 बजे। क्यों बने थे सारो लागे चीज ना एमा खाणी ना आने तो खांड वगैरह नहीं खवा तू। हाँ भाई आ रही तारी सुगर ले, केव लागे छे चीज नो स्वाद आवे? चीज नाखे तो चीज नो स्वाद आवे ने। ले चमची पकड़ ने, हवे चमची ओछी नाख ने। फ्रेंड्स रात के बजे हैं 11:30 और जो नए कपड़े थे थोड़े बहुत रह गए थे सुबह तिजोरी में रखने के लिए, तो साड़ियाँ वगैरह जो भी मैंने निकाला था पहनने के लिए वो सब कुछ रखा है। अभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं हेयर मसाज कराऊंगी अगर जानसी कर दे तो। तो चलिए फ्रेंड्स आज का व्लॉग मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। आई होप कि मेरा ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। मेरे न्यू फ्रेंड्स हैं जिन्होंने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और देखिए जानसी जो है ये गंदा निकाल रही है क्योंकि इसके अंदर बहुत कचरा हो गया है। तो चलिए सोने की तैयारी ही करते हैं हम।
तो कल एक नए ब्लॉग के साथ जरूर आएंगे। तो बाय एंड गुड नाइट।